दोस्तों, श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्म हसीना का ट्रेलर रिलीज हो गया है। मेरे साथ है मीमांसा और हम आपको बताएंगे कि कैसा है ये ट्रेलर। मोहम्मद अली रोड का लफड़ा सुलझाने के लिए दुबई से कॉल आएगा तुम्हें, चलेगा? कम से कम एक दशक से अपने कराची में बसे भाई के अंडरवर्ल्ड का बिजनेस चलाने वाली हसीना पारकर पर आखिरकार केस दायर हुआ। Your Honor, मेरी क्लाइंट को कोर्ट में सिर्फ इसलिए घसीटा गया है क्योंकि उनके भाई इस देश में मोस्ट वांटेड है, बस। और उन्हीं का नाम लेकर और उन्हीं का बिजनेस चलाकर तो एक्सटॉर्शन करती हैं। आपने मेरे भाई के बारे में पढ़ा है? मैंने मेरे भाई को पढ़ा है। सो मीमांसा, आशिकी 2, एक विलन, बागी हाफ गर्लफ्रेंड और उसके बाद हसीना पारकर। श्रद्धा कपूर को जो हमने देखा था, ये एक टोटली डिफरेंट अवतार है जिसमें वो दिख रही है। तो आपका क्या कहना है कि श्रद्धा कपूर इस फिल्म में कैसी परफॉर्म करेंगी? नूपुर, पहली बात तो मुझे इस पूरे ट्रेलर का जो उन्होंने जो एक मुंबई को जो पूरा उन्होंने दिखाया, एक स्थापित किया है, वो अंडरवर्ल्ड को जो एकदम एक डार्क जो एक फीलिंग होती है वो जो बनाई है, फिर धीरे धीरे श्रद्धा कपूर को उन्होंने शुरू में नहीं उन्होंने दिखाया है, उसका चेहरा उसका ढका हुआ है, फिर उसकी भारी आवाज और धीरे धीरे जैसे उसके किरदार को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, मुझे लगता है कि वो सबसे मजेदार बात है। शुरू में ट्रेलर को जो आप जो चीज आपको भा रही है, मुझे लगता है, मुझे तो काफी पसंद आ रहा है जिस तरह से इन्होंने श्रद्धा कपूर को इसमें दिखाया गया है। हम में से किसी को उम्मीद नहीं थी कि श्रद्धा कपूर अपने करियर में कभी एक ऐसा रोल प्ले करेंगी। मुझे तो बिल्कुल नहीं था, मुझे था कि जैसे उन्होंने अभी तक जो रोमांटिक फिल्में की हमेशा सेफ रोल प्ले करे, बहुत स्वीट, हाँ, बहुत प्यारे प्यारे से रोल किए हैं, लेकिन इसमें पहली बार वो मुझे लग रहा है एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, कुछ नया करना चाह रही हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। मुझे लगता है इस मोड़ पे, इस पड़ाव में अपने करियर के अगर उन्होंने रिस्क नहीं लिए तो वो रेस में कहीं पिछड़ जाएंगी। उनके काफ़ी सारे कंटेम्प्रेरीज हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा इनका एक आगे देखते हैं ट्रेलर। वो एक गैंगस्टर था, एक गैंगस्टर है, जिसने ऊपर उठने के लिए किसी भी रिश्ते, चीज या उसूल की अहमियत नहीं रखी। बम्बई हमारी है, उसे खरीदने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप देखेंगे, श्रद्धा कपूर के जो भाई हैं सिद्धांत कपूर, वही इस फिल्म में दाऊद इब्राहिम का रोल निभा रहे हैं, और एक रियल लाइफ और एक रियल लाइफ दोनों में क्या अंतर है? मुझे तो लगता है कि वो असली भाई बहन होने का हमें पूरा रिफ्लेक्शन कैमरा पे भी दिख रहा है, नज़र आ रहा है, और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात भी होगी कि सिद्धांत कपूर को हम पहली बार इस तरह के रोल में देखेंगे, और पहली बार श्रद्धा कपूर तो खैर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ही अपने रोल के साथ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद ये मज़ेदार उन लोगों को एक साथ कैमरा, दोनों भाई बहन को एक साथ फिल्म में देखना। हाँ, एक हफ्ते से उनको वक्त पर खाना मिलता है या नहीं, मेरे बच्चे सही सलामत स्कूल पहुंचते हैं या नहीं, कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरी गलती ना होने के बावजूद मैं यहाँ के चक्कर काट रही हूँ। एक हफ्ता क्या, एक महीना आना पड़ेगा अगर बुलाओ तो। ब्लास्ट का इल्जाम है तुम्हारे भाई पर, कोई देशभक्ति के काम का नहीं। हम में से बहुत लोग हैं जो हसीना पारकर के बारे में जानते ही नहीं है कि वो कौन थी। अब जाके हमें पता चला है कि दाऊद इब्राहिम की कोई बहन थी जिसका नाम था हसीना पारकर। और नूपुर, सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़ा सा अगर हम रिसर्च करें तो हमें पता चलेगा हसीना पारकर बहुत ज़्यादा उनका अंडरवर्ल्ड में नाम है, वो आपा नाम से जानी जाती हैं, और उन्होंने काफ़ी हद तक दाऊद जब सीन से चले गए थे, शायद वो जेल चले गए थे, जो भी वो हमें फिल्म देख के पता चलेगा, तो उन्होंने असल में पूरा इसका बिजनेस संभाला था, पूरा मुंबई सिटी। इनके ट्रेलर में हमें देख के पता चला, इनके पति की पति पर अटैक होता है, वो गुजर जाते हैं, फिर कैसे एक आम हाउसवाइफ, एक चार बच्चों की मदर, एक हसीना पारकर जैसे एक किरदार में तब्दील हो जाती हैं, वही शायद फिल्म में दिखाया गया, एक बैक स्टोरी दिखाई गई है, और क्या किस हालातों में हसीना पारकर बनी हसीना पारकर आपा, तो वही हमने देखा अभी तक ट्रेलर में। पर मेरी क्या गलती है? यही कि तुम उसकी बहन हो। मेरी जिंदगी के हर कदम पे आपके पैरों के निशान है। श्रद्धा की जनरेशन के जितनी भी एक्ट्रेसेस रही हैं, परिणीति चोपड़ा हो गई, सोनम कपूर, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, सभी फीमेल ओरिएंटेड मूवीज़ करती रही, और ये पहली बार है जब श्रद्धा कपूर ने कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट लिया है जिसमें वो एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट का रोल निभा रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उन्होंने ऐसा किया, और ना ही सिर्फ उन्होंने फिल्म बहुत ही बेहतरीन चुनी है अपने इस करियर के इस पड़ाव पर, उन्होंने काफ़ी हद तक इस किरदार में वो समा गई हैं, उन्होंने जान भर दी आप उनके स्किन के
टोन को देख लें, उनके कपड़े देख लें, उनका लहजा देख लें, उनके बोलने के तरीके को देख लें, तो उन्होंने काफ़ी चैलेंज लिया है और मुझे लग रहा है अभी तक तो वो काफ़ी सूट कर रही हैं अपने किरदार में। पहले भी अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड मूवीज आती रही है, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जिसमें हमेशा मेल डोमिनेटेड सेक्टर दिखाया गया। ये पहली बार है जब कोई फीमेल है जिनको अंडरवर्ल्ड जो डोमिनेट कर रही है। हाँ, मुझे लगता है कि बहुतों की तरह मैं भी बहुत दाऊद की फिल्में देख देख के बोर हो चुकी थी, तो अच्छा है हमें पहली बार एक फीमेल, एक महिला किरदार को इतने स्ट्रॉन्ग किरदार में देखने को हमें मिल रहा है। और ये आई थिंक प्लस पॉइंट होने वाला है फिल्म के लिए, क्योंकि दाऊद को तो बहुत देखा, दाऊद की बहन को इस बार देखी और उसका क्या रोल रहा है दाऊद की जिंदगी में, उसके बिजनेस की जिंदगी में, तो यही शायद हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो श्रद्धा कपूर की पॉपुलैरिटी तो बहुत ज्यादा है, तो श्रद्धा कपूर के फैंस तो ये फिल्म जाके जरूर देखेंगे। मुझे ये ट्रेलर पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, तो मैं मानसा आपको ये ट्रेलर कैसा लगा? फिलहाल तो मुझे अच्छा लगा है, लेकिन मैं इस फिल्म के और ट्रेलर, थोड़े गाने, कुछ श्रद्धा कपूर के इंटरव्यूज वगैरह देखना चाहूंगी, और मुझे लगता है अगर फिल्म इसी तरह से मुझे इम्प्रेस करती रही तो फिर डेफिनेटली मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाके देखूंगी इस फिल्म का। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन दबाए, नहीं पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्यों नहीं पसंद आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।